गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी किस्म का संडे, एंड उसके चलते कुछ बातचीत भी करेंगे। आज मैं कुक करने वाली हूँ 3 सब्ज़ियाँ, एंड मुझे घर को थोड़ा क्लीन करना है, वॉशरूम्स को क्लीन करना है, लॉन्ड्री को करना है, एंड ऑर्गेनाइज़ करूँगी और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम करूँगी घर के अराउंड। सो शुरुआत करते हैं आज के दिन की। सबसे पहले मैं कढ़ी को स्टोव पे रखने वाली हूँ। आज मैं पंजाबी कढ़ी बनाऊँगी, कढ़ी पकौड़ा। सो उसके लिए मैं पता क्या करती हूँ, दही को नमक एंड हल्दी वल्दी डाल के ऐसे ही काउंटर पे रख देती हूँ, तो वो रूम टेम्परेचर के साथ थोड़ा खट्टा हो जाता है अगर आपका दही खट्टा ना हो। उसके बाद उसको मैं स्टोव पे सिम पे रख दूँगी, कुक होता रहता है, कड़ कड़ के जब बेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है तब मैं तड़का लगाती हूँ। इसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पर अगर आप देखना चाहें तो। ओके, सो हाउस वाइफ की जो जॉब है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें अपना पूरा घर A to Z संभालना होता है अपने आप। मुझे विश्वास है कि ये काम उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कोई बाहर की जॉब है, उससे भी एक्चुअली ज़्यादा है। बाहर की जॉब तो 9 to 5 आप फिनिश करके आ जाते हैं, घर की जॉब है जो सारा टाइम चलती रहती है, कोई टाइमिंग्स नहीं है, और बदले में हमें पेचेक भी नहीं मिलता और कुछ महान भी नहीं मिलता। बस हम लोग काम करते हैं लव एंड अप्रिसिएशन के लिए हमारी फैमिलीज़ की, और दुख भरी बात है कि कई बार वो भी नहीं मिलती है। ये बहुत ज़्यादा आसान है कि हम लोग कॉट अप हो जाए हमारे रूटीन में, जो कि कभी फिनिश ही नहीं होता, नेवर एंडिंग, और ये भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली ये सारा कुछ कर क्यों रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? उन लोगों के लिए जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, उनका प्यार ही हमारा रिवॉर्ड है। सो लेट्स कीप गोइंग दोस्तों, अपना बेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए जिससे हमें बहुत प्यार है। और मैं आपको ये भी रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि हाउस वाइफ का जो जॉब है वो सिर्फ कुकिंग, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ही नहीं है, पर हाउस वाइफ्स वो हैं जो सारी फैमिली को जोड़ के रखती हैं, अपना वो इतना प्यार, सपोर्ट, गाइडेंस सब कुछ प्रोवाइड करती हैं, एंड घर को भी कितना वार्म, वेलकमिंग बना के रखती हैं। अगर घर में से लेडी मिसिंग हो ना तो वो घर मज़ेदार नहीं लगता है, लाइक उस घर में जाने का मन ही नहीं करता जिस घर में औरतें नहीं होती हैं, राइट? सो ये इजीली आप अपने आप को अंडर वैल्यू एंड अंडर अप्रिशिएट कर सकते हैं, पर ऐसा करें मत। अपनी काम को पूरी लाइक वैल्यू दें, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम नहीं होंगे ना हमारी फैमिली में तो हमारी फैमिली सेम नहीं होगी जैसी आज है। सो पूरे प्राइड के साथ अपना बेस्ट करें और अपनी प्यारी फैमिली का ख्याल रखें, एंड इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प समटाइम्स। जब आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो मदद लें अपने पति की, बच्चों की। मेरी कोशिश होती है कि मैं हिम्मत की काफ़ी चीज़ों में मदद लेती हूँ, हस्बैंड की भी मैं लेना चाहती हूँ, और वो मदद कर भी देते हैं। बस वो ये है कि वो 10 मिनट बाद करेंगे, आधे घंटे बाद करेंगे, शाम को करेंगे, उन्हीं चीज़ में मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर मैं खुद से कर लेती हूँ। मुझे होता है कि जब मैंने किसी को कोई टास्क दिया है वो जल्दी फिनिश हो जाए, ऐसे नहीं है कि लटकता रहे, तो वैसे कर देते हैं वो भी मदद, पर या इन फ्यूचर उनसे थोड़ी ज़्यादा मदद ली जाएगी। सो यस, जारी रखते हैं हमारी कुकिंग का प्रोसेस। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। Hold on tight, you got me hypnotized, I guess.
everything's alright. But when I go away, my friends they tend to say that everything's okay, and I should feel betrayed. Its mark, but now I'm finally crawling out of the dark. Okay, so ये है मेरी प्लेट. मैं खाने वाली हूँ शिमला मिर्च सब्जी दही एंड रोटी. एंड मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग कढ़ी चावल डिनर में खाएंगे. अरे पति ने डिसाइड किया है. सो मैं लगा कि मैं भूख लगी है तो शिमला मिर्च आलू खा लेने. वैसे भी हिम्मत को भी कड़ी चावल अच्छे लगते हैं. हमारे घर में जो भी खाना बनता है वो मेरा पति ही डिसाइड करता है. एंड आराम से बैठ के खाऊंगी. पर मैंने सोचा कि मैं कुक करते हुए दिखाती हूँ, पर आपको फिनिश प्रोडक्ट भी देखना होता है. मैंने डिसाइड किया है कि सब्जी के साथ रोटी पहले खा लेते हैं, कड़ी चावल हम खाएंगे डिनर में लाइक अराउंड 6:30 बजे, और अभी 12:30 के अराउंड हुए हैं. एंड हस्बैंड कह रहे थे कि जो भी हमारे घर में खाना बनता है वो मैं ही डिसाइड करता हूँ. क्या आपको लगता है ये सच है? एक्चुअली ये सच नहीं है. वैसे ना मैं मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारी पत्नियां हमेशा अपने पति से पूछते रहते क्या खाओगे क्या खाओगे क्या खाओगे. मैं भी पूछ लेती हूँ समटाइम, पर कुक मैं वही करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ. हस्बैंड आंदे आगे की बनाते आप, इनको पता ही नहीं होता क्या बनना. और मैंने ना सोचा कि अगर पूछी जाओ इरिटेट हो जाते हैं. एंड इससे अच्छा है कि जो आपका मन करता है बना लो, क्योंकि वो हर कुछ खा लेंगे. राइट, कई चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं कई नहीं, पर फिर भी कोई चॉइस तो है नहीं, खा ही लेंगे. सो लाइक तो नॉर भी नहीं बढ़िया ला रही, साबुत मसर की दाल नहीं बढ़िया ला रही, घी वाली सब्जी नहीं बढ़िया ला रही, खा लेते हैं. कई चीज़ें अच्छी नहीं लगती, थोड़ा दुखी मुंह बनाएंगे पर खा लें. सो इनकी चॉइस, कोई पूछता नहीं है. एंड ऑफ स्टोरी. एक्चुअली ना शिमला मिर्च हस्बैंड बैंगन की तरह शिमला मिर्च भी काफ़ी सारी लेके आए हैं, तो शिमला मिर्च भी ख़त्म नहीं हो रही. शिमला मिर्च आलू की सब्जी भी बना ली है मैंने, पर फिर भी 5 बची हैं, तो मैंने सोचा कि उसको स्टफ़ करके बना लेते हैं आज, नहीं तो कल खा लेंगे लंच में. तो उसके लिए आलू बॉयल कर लिया है. पर अब मैं खाने वाली हूँ, रिलैक्स करने वाली हूँ, और उसके बाद बाकी कुकिंग का प्रोसेस शुरू कर लिया. I'm looking, but if you want to, we could do something kind of crazy. How about you? Call me baby. Cause I've been call me baby. I know it's kind of crazy, but if you're down for me, let's do something kind of crazy. Don't be so shy, just call me baby. Don't keep me waiting, yeah. Am I the one you're dreaming of? Every day I'm thinking of you. Oh, you. Oh, yeah, yeah, oh. Got me feeling lucky. Come my way, you lovely, oh. I've been waiting for you for a while. I've been waiting for you. I'm looking, but if you want to, we could do something kind of crazy. How about you? Call me baby. Cause I've been call me baby. I know it's kind of crazy, but if you're down for me, let's do something kind of crazy. Don't be so shy, just call me baby. Don't keep me waiting.
मुझे लग रहा है कि 5-7 घंटे से मैं लगातार काम कर रही हूँ, बहुत बुरी तरह थक गई हूँ एंड हाथ भी मेरे ना बहुत दुखने लग पे हैं। मेरे हाथों में आर्थराइटिस है अगर आपको नहीं बताया तो, बहुत पेन होने लगती है जब मैं एक ही पोजीशन में रहती हूँ। जब मैं वैक्यूम कर रही थी ना बहुत पेन हो रही थी और हम ना मेरा बुरा हाल हो गया। मैं सोच रही हूँ रिलैक्स करूँ थोड़ा, काम मेरे पास बहुत है और करने के लिए और मैं सोच रही हूँ कुछ ना करूँ, सिर्फ खाना कुक करेंगे लेटर। या लॉन्ड्री हो चुकी है, लॉन्ड्री ऑर्गेनाइज हो चुकी है, वॉशरूम्स को काइंड ऑफ क्लीन कर दिया एंड फ्लोर काफ़ी अच्छा क्लीन कर दिया मैंने। हस्बैंड एंड हिमंगा को लंच भी करवा दिया है, डिनर का सामान तैयार हो रहा है। सो काफ़ी मेरे साथ होता है कि जब मैं टाइम देखूं एंजल नंबर आता है 444। सो समय हुआ है 444 एंड मैं बहुत ज़्यादा बुरी तरह थक गई हूँ एंड और बहुत सारे टास्क मैं करना चाहती थी। इस सारे फ्लोर को मैं अच्छी तरह ब्रूम करके गई हूँ, वैक्यूम करके, पर मैं पोचा भी लगाना चाहती हूँ मॉप भी। सो वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कर दूँ एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ मैं, पर मैंने सोचा कि क्विकली मेरी कुकिंग का काम फिनिश कर देते क्योंकि कड़ी के साथ राइस ही बनाने तो ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, हस्बैंड लोग अपने आप खा लेंगे। मैं कड़ी को तड़का लगाऊंगी एंड क्विकली पकौड़े बनाएंगे बहुत ही सिंपल से कड़ी के लिए। हस्बैंड तो कह रहे थे कि पकौड़े डालने की ज़रूरत नहीं, पर बहुत समय के बाद मैं कड़ी बना रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि उनको अच्छी परफेक्शन वाली कड़ी दिखाऊँ। और अगर ऐसी कड़ी की रेसिपी आप चाहते हैं तो मेरे कुकिंग चैनल पे है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है इस तरीके से। और वो शिमला मिर्च को भी आलू भर के थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लेते हैं। दिल नहीं करना वैसे मेरा, सोनली करना है, बट भी ये संडे है तो जल्दी सोना चाहूँगी क्योंकि कल फिर से सुबह जल्दी उठना है। तो यह कुकिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया। सबसे पहले ना बेसन का एक घोल बना लेते हैं पकौड़ों के लिए, पिद्दा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। हमारे काम मुकते ही नहीं है, लाइक मुकते ही नहीं है, काम चलते ही रहते हैं। बैटरी डेड हो गई है। You caught me with your eyes. I tried to hold on tight. You got me hypnotized. Like everything's alright. But when I go they tend to say not everything's okay. बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, एक मुझे काम बहुत ज़्यादा करने हैं एंड इस समय पे कैमरे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती जा रही है, कभी बैटरी लो हो रही है, कभी कैमरा नहीं चल रहा है, कभी हॉट हो रहा है, तो काफ़ी परेशान हो गई हूँ। एंड पकौड़े मैंने बना लिए, पकौड़े हम सीधे इसमें डाल देंगे। और पकौड़े को ना मैंने काफ़ी सॉफ्ट किस्म का रखा है क्योंकि कढ़ी में ना सॉफ्ट किस्म के पकौड़े अच्छे लगते हैं। अब ना तड़के की तैयारी कर रहे हैं, इसमें मैं फूड प्रोसेसर में कर लूँगी एंड इस तरफ मैं लगाने वाली हूँ छोटू सा तड़का आलू को, ताकि शिमला मिर्च पर भर के उसको शिमला फ्राई कर ले एंड जब भी चीज़ें कुक हो जाएंगी तब हम क्विकली मॉप कर देंगे दिल पे पत्थर रख के, अगर हो पाएगा तो, ज़्यादा अपने आप को टेंशन नहीं देंगे। तो ऑलिव ऑयल डालते हैं इसमें। थोड़ा सा धनिया सीप भी कर लेते हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे इसमें। मैंने मुंह को ज्यादा बड़ा नहीं ना रखा तो इसलिए आसान है। अब
आसान है, लाइक इनको भरना आसान नहीं है, इनको भरना बल्कि इससे मुश्किल है, पर जब आप फ्राई करेंगे ना तो आलूओं का बाहर आना, एस्केप होना मुश्किल हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि भरना मुश्किल है, पर लेटर हमें आसानी होगी, गंद नहीं बहेगा। शिमला मिर्चा हो गया रेडी, अब इसको कुछ और कर लेंगे। और इनको थोड़ा और क्रिस्पी कर लिया मैंने एक बार फिर से फ्राई करके, तो इनको हम खा सकते हैं, ये कड़ी के लिए नहीं है। कड़ी को तड़का लगाने की बारी आ गई है, स्टार्ट करेंगे मेथे सीड से, थोड़े से डालने में ये सारे काम के बीच बीच में मुझे ब्रेक मिल रही है ठंड तो नहीं। ਚੰਗੀ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਕ ਕਰ ਲਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਕੂ ਕਰਨਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਅੰਨ ਖਾਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਆਏ ਦੇ ਮੇਰੇ ਭਾਰਾ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਵਾਤੇ ਦਾ ਐਪਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਦੋ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਾਂਡਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਈਕ ਆਏ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਦ ਬੋਲ ਇਜ਼ ਰੈਡ ਦ ਬੋਲ ਇਜ਼ ਬਲੂ ਦ ਬੋਲ ਇਜ਼ ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਲੂ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਨਾਓ ਇਟ ਸੇ ਆਈ ਈਟ ਐਪਲ ਆਈ ਈਟ ਕੁਕੀਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਆਈ ਈਟ ਐਪਲ ਐਂਡ ਕੁਕੀਜ਼ ਸੋ ਵੀ ਬਾਏ ਮਿਲਕ ਵੀ ਬਾਏ ਐਗਸ ਵੀ ਬਾਏ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਐਗਸ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਵੀ ਬਾਏ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਐਗਸ ਡਸ ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਟੂ ਯੂ ਯੈਸ ਦੈਨ ਡੂ ਇਟ
I like this rice. It's sticky rice. Till you come home. Mm-hmm. Tell me about your day. I just feel like you're a planet away among the stars. I'm sure it's pretty from your view. Just look down. Remember, we're waiting for you. Me ooh, wishing we could be in the same place, but I know you're doing great, and honestly, I'm all right on my own. I enjoy having some time alone, but when it gets late, I miss you. ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਦਿਆ? ਯੈਸ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ? ਸੋ ਮਚ ਬਟ ਓਕੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਇਰਡ ਹਾਂ। ਅਹਿਮਦ ਕੋ ਨਹਿਲਾ ਦਿਆ ਹੈ ਮੈਨੇ, ਉਸਕੋ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾ ਦਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਬ ਉਸਕੇ ਪਾਸ 30-35 ਮਿੰਟਸ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਜਾਏਂਗੇ ਹਮ ਲੋਗ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਉਂ। ਇੱਕ ਮੈਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ, ਮੇਕਅਪ ਕੈਸੇ ਕਰੇ, ਬੇਸਿਕ ਬਿਗਨਰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, एंड उसको एडिट करना शुरू करने वाली हूँ। अगर वो होगा मुझसे कंप्लीट तो अच्छा है, अगर नहीं होगा तो फिर कल अपलोड करूँगी मैं। व्लॉग के साथ बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों, मित्रों, बहनों, भावों के साथ ज़रूर से शेयर करें, एंड नोटिफिकेशन को ज़रूर से क्लिक करना ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी प्यारी वीडियोज़ को मिस नहीं करें। मैं मिलूँगी आपको जल्दी ही नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू इज़ अ ब्यूटिफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, confident and strong. You guys can do any freaking thing. All you have to do is think about it and take action.